नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप और आपको वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं LTCG के बारे में। दोस्तों अगर आपको कुछ याद है तो अरुण जेटली जी ने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट की थी, जितने भी यूलिप प्लांट्स रहेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों यूलिप प्लांट्स आपको तो शायद पता होगी, किसी को नहीं पता होगे तो कोई पॉलिसी होल्डर होगा तो शायद दोस्तों उन्हें ज़रूर मालूम होगा यूलिप प्लांट किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यूलिप प्लांट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मगर सीधा बात करेंगे उसके ऊपर ही। तो देखिए यूलिप प्लांट्स में जितने भी पॉलिसी होल्डर होते हैं जो अपना प्रीमियम पे करते हैं, जो कि पहले नॉन टैक्सेबल था, जो मैच्योरिटी डेट पे आती थी उनका जो भी एक रिटर्न बनता था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तो अभी हम जैसे इक्विटी मार्केट की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें म्यूचुअल फंड्स वाले भी आते हैं। म्यूचुअल फंड में देखा हमने कि गवर्नमेंट ने LTCG लगा दी थी, अरुण जेटली के समय पे LTCG लग गई थी और LTCG में ये कहा गया था कि लॉन्ग टर्म गेन जो भी है उसके ऊपर 10% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो देखिए 10% का टैक्स लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे यूलिप्स इस समय एग्जेम्प्टेड था, वहाँ पे एग्जेम्प्टेड था तो जिसके कारण वहाँ पे उसके यूनिट्स दबा दबा के बेचे गए 2019 में। दोस्तों 2019 में दबा दबा माफ कीजिएगा 2018 में दबा दबा के बेचने के बाद अभी 2021 में निर्मला सीतारमन जी कहती है कि जितने भी यूलिप्स प्लान हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, वो भी गवर्नमेंट्स का। तो देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई, जहाँ पे उसको नॉन टैक्सेबल बताया गया था उसके बाद अभी टैक्सेबल हो गया। मगर दोस्तों गवर्नमेंट ने भी देखिए, स्टॉक मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट हो फिर म्यूचुअल फंड हो, तो देखिए जितने भी कानून या कायदे बनते हैं मार्केट में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो चीज़ है वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे से छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे से छोटे फंड इन्वेस्टेड होते हैं उनके बारे में सोचा जाता है। देखिए जैसे कि इक्विटी मार्केट में भी लॉन्ग टर्म गेन होता है, जो 1,00,000 का गेन कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर गेन करते हैं 1,00,000 का, तो उनको मतलब इतना टैक्स पे नहीं किया जाता है। तो देखिए अभी जैसे कि 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ कि LTCG लगेगा, मगर दोस्तों जो 1,00,000 रुपये कमा रहे उसको 10% देना ही है। तो ये बात हो गई LTCG की, मगर अभी यूलिप प्लांट टोटली एग्जेम्प्टेड था जिसमें कोई टैक्स नहीं था। मगर दोस्तों यहाँ पे इक्विटी मार्केट के कंपनियों ने और म्यूचुअल फंड वालों ने ढिंढोरा पीट पीट के एक बात क्लियर कर दी कि भाई हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी अपने साथ ले लेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसमें हमेशा ही रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान दिया जाता है, रिटेल पॉलिसी होल्डर का ध्यान दिया जाता है। जो भी छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो या फिर पॉलिसी होल्डर, उनके लिए हमेशा ध्यान दिया जाता है। यही फिर से गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात की है, जितने भी इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर हो उनके लिए एक बात अंडरलाइन की गई थी कि जो भी यूलिप प्लान बाय किया है या फिर पॉलिसी होल्डर है, इंसान अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर, एक ही इंसान अलग अलग पॉलिसी में अपना पैसा डाल रहा है। बात को ध्यान से सुनेगा, एक ही इंसान अलग अलग पॉलिसी में पैसे डाल रहा है मगर अंडर द वन पैन कार्ड वो 2,25,000 के ऊपर या फिर 2,50,000 के ऊपर वो अपना प्रीमियम पे कर रहा है। तो दोस्तों उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा, ध्यान से सुनेगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर अभी टैक्स चार्ज किया जाएगा। दोस्तों ये बात अभी निर्मला सीतारमण जी ने कही है। तो दोस्तों जो पहले एग्जेम्प्टेड था, लूप होल्स देख देख के लोगों ने पैसे लगाए थे, देखिए यहाँ पे टैक्सेबल कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न रहेगा वो भी अच्छा रहेगा और यहाँ पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। मगर दोस्तों ऑन टुडेज ऑनवर्ड्स आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि एक गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल थिंक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सोचोगे, पहले तो लीगली तो हर चीज़, मगर अभी यहाँ पे सीधी बात हो गई कि आप टैक्स लोगे। तो दोस्तों जो भी बात होती है वो लोगों के हित में ही होती है, और जो गवर्नमेंट देखिए पहले था उसी का गवर्नमेंट आज भी है, और अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर वो पॉलिसी होल्डर उनके लिए सोचा गया है। जो भी देखिए ज़्यादा गेन कितना कमाता है आदमी, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, ज़्यादा गेनिंग नहीं कर पाते हैं लॉन्ग कैपिटल में हो या फिर यूलिप प्लान में हो। तो देखिए 96-95% लोग यहाँ पे भी अभी भी क्या है दोस्तों, सिक्योर्ड लाइन पे खड़े हैं। तो मतलब इनके लिए अभी ये रूल्स लागू नहीं होते, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गेनिंग नहीं कर पाते लोग यूलिप प्लान हो या फिर पॉलिसी हो, SIP हो या फिर इक्विटी में हो। तो देखिए ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आता रिटेल इन्वेस्टर पे, थोड़ी सी
बात की गहराई तक को समझिए और थोड़ा आपका बेनिफिट बनाने के लिए दोस्तों दो चीज़ें होती हैं हमेशा देखिए, आप जितने भी लोग हैं पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर आप इक्विटी शेयर मार्केट हो, तो इसमें आप ना ज़्यादा ये नहीं करते, डिफरेंस नहीं करते दोस्तों, इसको आपको डिफरेंस करके देखना है। देखिए पॉलिसी ये रिस्क बेस है और जो इक्विटी मार्केट है वो आपको रिटर्न बेस है। दोस्तों रिस्क क्यों है इसमें, क्योंकि आप मे और मे नॉट बी की बातें इसमें होती है, मगर इक्विटी में कंफर्म आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। मगर दोस्तों अच्छा एनालिसिस के बाद ये ध्यान में रखिएगा बात को, तो ये आपको समझना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों अच्छे से जो बटन दिया है सब्सक्राइब करने का उसको प्रेस कीजिएगा और दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आपको एनी क्वेश्चंस होगे या फिर आपको कोई डाउट्स होगे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप आइए व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके क्वेरीज पूछिए, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेबल नहीं रहेगा। और दोस्तों आप चाहते आपको इंट्राडे सेशन में हमारे ज्वाइन होना है, दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट हमारे साथ खुलवाना है और आपका यहाँ पे 2 डेज का इंट्राडे सेशन आपको इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आज के लिए